अगर आपके पोर्स बहुत स्ट्रेच हो गए हैं, अगर आपको अपने यू नो अराउंड आईज आपको क्रॉस फिट नज़र आने लगी, अगर आपको रिंकल्स नज़र आने लगे, अगर आपको मतलब स्किन में ग्लो नहीं है आपकी स्किन में, तो आप बस इन एक्टिव्स को लगाइए और आप देखिए कि विद इन अ वीक आपको असर दिख जाएगा इसका, और विद इन अ मंथ आपको खुद को फील होगा आपकी स्किन कितनी इम्प्रूव हो गई है। और आप अपनी बिफोर एंड आफ्टर फोटो जरूर लेना, क्योंकि इससे आपको डिफरेंस क्लियर समझ में आएगा। आज मैं कुछ ऐसे एक्टिव्स के बारे में आपको बताऊंगी जिन एक्टिव्स से इन्हें ट्रीट भी कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, और साथ ही आपको बहुत ही ल्यूमिनियस ग्लोई स्किन मिलेगी, आपके ओपन पोर्स जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, लाइक वो ना के बराबर हो जाएंगे। मेरे बहुत ज़्यादा इनलार्ज पोर्स हुआ करते थे, तो मैं इतनी परेशान थी ना, मैं अपनी स्किन को बहुत ही क्लोजली देखती थी, क्योंकि आई यूज़ टू हैव वेरी फ्लॉलेस स्किन व्हेन आई वाज 16, बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मेरी स्किन में डलनेस आती गई, पोर्स होने लग गए, तो फाइन लाइन्स क्रॉस फिट वगैरह जो होते हैं ना वो भी दिखने लग गए। लास्ट वीडियो में अपना शार्लेट टर्मरिक का जो मैंने क्रीम लगाया था, मैंने बस वो अप्लाई किया है और थोड़ा सा टिंट वगैरह हल्का हल्का सा लगा रखा है, ग्लॉस लगा रखा है, मैंने कोई मेकअप अप्लाई नहीं किया है, स्टिल जो मेरी स्किन है वो बहुत ग्लो कर रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी स्किन कैटरीना कैफ के जैसी हो गई है, बट उससे कहीं नहीं है। सो हैव यू डीज वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम शनी, एंड टुडे आई एम गोना इंट्रोड्यूस फ्यू एक्टिव्स जो आपकी स्किन को बहुत स्मूथ कर देंगे, पोर्स को डिमिनाइज कर देंगे, हाइपर पिगमेंटेशन को भी कम कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस इसमें जो फर्स्ट आता है ना वो आता है लैक्टिक एसिड। मैं ऑर्डिनरी यूज़ करती हूँ, ये सीरम आपके स्किन को इवन आउट करता है, डलनेस हटाता है, स्किन को फर्म करता है, आपकी स्किन को ना टाइट करेगा। अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन सैग होना शुरू हुई है तो आपकी स्किन को ना ये वापस से फर्म कर देता है, फाइन लाइंस आ जाती हैं या क्रॉस फिट आ जाती है उनको भी बहुत अच्छे से ये कम कर देता है, बिकॉज इट एक्सफोलिएट्स द बॉन्ड बिटवीन डेड सेल्स टू रिवील मोर रेडियंट कॉम्प्लेक्शन। बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। मतलब हम बोलते हैं ना बचपन में हमारी स्किन बहुत यूथफुल हुआ करती थी, बच्चों की स्किन कितनी बेबी सॉफ्ट होती है, कितनी अच्छी होती है, तो हमारी स्किन पर क्या होता है इतनी डलनेस आ जाती है। और फिजिकल एक्सफोलिएटर जो होते हैं ना वो ऐसे तो एक लेयर तक काम करते हैं, लेकिन मतलब उसके बाद वो काम नहीं करते, बट ये जो लैक्टिक एसिड है ना वो आपकी स्किन में अंदर तक जाता है, आपकी स्किन में जो भी डेड सेल्स है उन्हें डिसॉल्व करता है, अंदर में जो आपकी फ्रेश स्किन है उसको रिवील कर देता है। और ये जो है लैक्टिक एसिड ये आपको हाइपर पिगमेंटेशन में भी बहुत अच्छे से काम करता है। मैं ऐसा बोलूँगी कि मेरा हाइपर पिगमेंटेशन था, अगर आप शायद देख सकते हो यहाँ हल्का हल्का सा भी अभी भी है, अभी बहुत लाइट हो चुका है, मतलब गायब, ऑलमोस्ट गायब कर दिया। इवन अगर अब मेरे फ्रेंड्स मुझसे मिलते हैं ना वो मुझसे पूछते हैं यार तो क्या कर रही है स्किन केयर में, तेरी स्किन इतनी ग्लो कैसे करती है, विंटर हो समर हो कोई भी सीजन हो स्प्रिंग हो, बट यू ऑलवेज ग्लो लाइक अ गॉडेस। सो वन मोर थिंग, अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे, इसमें लिखा हुआ है कि ये बहुत हाई स्ट्रेंथ लैक्टिक एसिड है, सुपरफिशियल पीलिंग फॉर्मुलेशन है ये, लेकिन ये जो है ये बहुत ही माइल्ड एक्सफोलिएटर है, एंड ये जो है आपके सेंसिटिव स्किन है ना उस पर भी बहुत अच्छे से काम करेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्किन पे रिएक्ट कर जाएगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। इफ़ यू आर वेरी न्यू टू यू नो एक्टिव्स तो शुरू शुरू में हल्की फुल्की पीलिंग हो सकती है, तो आप घबराना मत, जस्ट स्टिक टू इट, यू कैन यूज इट ट्वाइस इन अ वीक, डेली यूज मत करना, हफ्ते में दो बार इस्तेमाल करना इसको। सेकेंड नंबर इज सैलिसिलिक एसिड। सो आई एम यूजिंग सैलिसिलिक एसिड 2% सॉल्यूशन फॉर्मुलेटेड फॉर ब्लेमिश प्रोन स्किन। जो सैलिसिलिक एसिड है ये काफ़ी सारे स्टडीज़ में भी ये पाया गया है, ये हमारे पोर्स को मतलब इफेक्टिवली अनक्लॉक कर देता है। सैलिसिलिक बहुत अच्छे से इसका भी यही काम है, ये भी डेड सेल्स को जो कर धीरे धीरे हटाते जाता है। तो मैं इन सबको क्या करती हूँ, हफ्ते में दो बार मैं लैक्टिक एसिड लगाती हूँ, दो बार सैलिसिलिक एसिड लगाती हूँ, तो आप इस तरीके से लगाना, कन्फ्यूजन मत होना। ये बहुत सारे फॉर्म्स में आता है, लाइक इट कम्स इन फेस वॉश और क्लिनजर्स और टोनर्स, बट आई रिकमेंड द सीरम फॉर्म। क्यों? क्योंकि सीरम फॉर्म जो होता है वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करता है स्किन पे। आपने फेशियल फेस वॉश कर लिया वो नहीं रहेगा आपकी स्किन पे, आपने टोनर लगा के स्वाइप कर लिया वो नहीं रहेगा, बट सीरम रहता है स्किन पे, और ये जितना रहता है आपकी स्किन पे उतना अच्छे से ये अपना काम करता है। अगर आप इसको लगाओगे तो विद इन अ मंथ यू विल सी अ रिमार्केबल डिफरेंस, बट मेक श्योर यू आर यूजिंग अ हाई SPF ड्यूरिंग द डे, क्योंकि जो नई सुंदर स्किन आपकी आएगी भाई आप कभी नहीं चाहोगे उसको स्पॉइल करना, तो SPF को जरूर लगाना, ठीक है। अगर आपको एक्ने स्कार्स तो उस पर भी बहुत 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 अच्छे तरीके से ये काम करता है। अब आप इसको हीरो इंग्रेडिएंट बोल दो, पोर्स भी खत्म कर रहा है ये, यू नो स्किन को स्मूथ भी कर रहा है, इवन आउट कर रहा है, जो बैक्टीरिया होते हैं जिसके कारण हमें एक्ने हो जाते हैं ना उन्हें भी हटाने में हेल्प, जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, जो मार्क्स होते हैं हमारे स्किन पे, उसे भी बहुत अच्छी तरीके से कम कर देता है। तो आई एम यूजिंग द ऑर्डिनरी सैलिसिलिक एसिड, लेट मी शो यू दिस। सो गाइस आप इसको भी ट्राई करो, इसको लगाने का सीधा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। फेस वॉश करो, फेस को अच्छे से ड्राई कर लो, उसके बाद जाके सबसे पहले आप ये सैलिसिलिक एसिड लगाओ, इसके बाद अगर अच्छा हो तो इस नायासिनामाइड एंड हाइलोरोनिक एसिड लगा के
आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर SPF लगा सकते। थर्ड वन ये उनके लिए है जिनको मतलब पीलिंग सॉल्यूशन से बहुत डर ऐसा लगता है, वो सैलिसिलिक या लैक्टिक एसिड एसिड सुनते उन्हें वो वाला एसिड यार आ जाता है, तो अगर वो नहीं लगाना चाहते हैं और विटामिन सी से भी वो एलर्जी है उनको, उनको क्या होता है बम्स वगैरह आ जाते हैं स्किन पे, स्किन रिएक्ट कर जाती है, रेडनेस आ जाती है या स्किन पील होने लगती है, तो आपके लिए सबसे 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 अच्छा सॉल्यूशन है नायासिनामाइड। मैं ये जो नायासिनामाइड है ये कोसारेक्स का मैं यूज़ करती हूँ। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है इट मिनिमाइज पोर्स एंड सीबम ऑयल कंट्रोल, बट दिस इज़ नॉट नेसेसरली फॉर ऑयली स्किन टाइप ओनली। अगर आपकी ड्राई स्किन है, कई सारे वेदर में आप जाते हो तो वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, तो अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है तो आप इसे लगा सकते हो। तो गाइस लेट मी शो यू दैट सीरम, ये स्किन को ना हाइड्रेट करने में हेल्प करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को ठीक करता है, प्रमोट्स स्किन इलास्टिसिटी, विटामिन सी के बेनिफिट्स भी इसमें मिलेंगे। एंड जो लोग विटामिन सी यूज़ नहीं कर पाते उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज अगर विटामिन सी यूज़ करते वक्त उन्हें बम्स वगैरह स्किन पे आ जाते हैं और फिर कोई भी एक्टिव यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो नायासिनामाइड जो है वो आपके लिए बेस्ट है, इसको एक बार जरूर ट्राई करो। सबसे अच्छा जो मुझे लगता है पॉइंट, विटामिन सी को आप हर किसी के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, बट नायासिनामाइड वर्क्स वेल विद सैलिसिलिक एसिड, हाइलोरोनिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड ऑल्सो, सो आई प्रिफर नायासिनामाइड, ये पोर्स को भी मिनिमाइज करता है। मैं कोसारेक्स का नायासिनामाइड यूज़ करती हूँ क्योंकि वो विद इन ए वीक मुझे उसमें असर दिख गया था। मैंने ऑर्डिनरी का भी किया था ट्राई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं देखो ऑर्डिनरी का लैक्टिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड यूज़ करती हूँ, नायासिनामाइड मुझे उतना उसका कुछ खास नहीं लगा था, मुझे ना कोसारेक्स का ज़्यादा अच्छा। कोसारेक्स में क्या है, हायर स्ट्रेंथ अवेलेबल है, आई एम यूजिंग 15%। अगर आपको ये स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लगती है स्टार्टिंग पॉइंट पे तो ऑब्वियसली बात ही ज़्यादा है, सो यू कैन स्टार्ट विद 5% और 10%। मिनिमलिस्ट में भी आते हैं, ऑर्डिनरी में भी आते हैं और कई सारे ब्रांड्स हैं, बट आई ट्रस्ट मिनिमलिस्ट एंड ऑर्डिनरी एंड कोसारेक्स। सो नाउ द रेटिनॉइड्स माई फेवरेट। तो रेटिनॉइड्स जो होते हैं ना वो भी आपका एंटी एजिंग बेनिफिट देता है। अभी तक मैंने आपको जितने भी एक्टिव्स के बारे में बताया उन सबकी खूबी इस एक में है। जैसे कोई कोई होता है ना यार इतना सारा चीज़ नहीं लगाना यार, कोई एक चीज़ बता दे जिसमें मतलब जो काम कर दे, जो ये सारी खूबियाँ दे दे, मैं आपको बोलूँगी कि आप रेटिनॉइड में जाओ। ट्रस्ट मी रेटिनॉल से कुछ नहीं होता, क्योंकि इसका भी एक प्रोसीजर होता है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूँगी क्योंकि वो एक बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊँगी रेटिनॉल क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और रेटिनॉइड मतलब यानी कि ट्रेटिनॉइड, जब प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ आपका ट्रेटिनॉइड होता है वो क्यों मैं प्रेफर करती हूँ वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। आई यूज़ प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ ट्रेटिनॉइड। ट्रेटिनॉइड अगर आप कह सको कि 10 साल उम्र कम कर देता है, ये सच में करता है। क्रॉस फिट या रिंकल्स या स्पोर्ट्स या इनलार्ज पोर्स या कॉम्प्लेक्शन डल हो गया है, ये सभी के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। टेंडेंट इंडिया का ट्रेटिनॉइड यूज़ करती हूँ मैं, कोई फैंसी कोई एक्सपेंसिव रेटिनॉल मैं यूज़ नहीं करती। मैंने जो भी प्रोडक्ट्स बताए हैं ना वो अंडर बजट है, बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना, आप ये ट्रेटिनॉइड लगा के देखो, आपको पहले लगेगा पर्चिंग हो रहा है एंड ऑल ऑफ इट, लेकिन उसके बाद आप लगा के देखो यू विल थैंक मी लेटर। सो गाइस मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी और इस ट्रेटिनॉइड के ऊपर मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये टॉपिक जो है ना वो इसमें कवर नहीं हो सकता है, तो मैं इस पर फुल वीडियो बनाऊंगी। मैंने आपको बता दिया, आप आई बटन पे जाके देख लेना, इस पे मैं आपको इसका रियल ये कैसे काम करता है, तो मेरा जर्नी कैसा था, कैसे मेरी स्किन कहाँ से कहाँ तक आई है वो आप देखोगे तो आपको खुद को शौक लगेगा। मैंने अभी तक आई हैव नेवर डन एनी वर्क फेस में, मैंने कुछ ऐसा प्रोसीजर नहीं किया है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैं ट्रेटिनॉइन यूज़ कर रही थी। ट्रेटिनॉइन बहुत ही मस्त वाला बिल्कुल एकदम राशिक एक्टिव है। मैं जो है इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। सो अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है, कोई क्वेरी आती है, कुछ भी जानना हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको और भी ऐसी वीडियोज में जरूर जरूर लाऊंगी आपके लिए, जो इन्फॉर्मेटिव हो, जो रियल हो, क्योंकि मुझे पता है लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं और अगर आप हमें फॉलो करते हो तो आप सोचते हो कि हम वही बताएं जो सच हो, तो मैं आपको बस वही बताऊंगी जो एक्चुअल में मैंने इस्तेमाल किया है या एक्चुअल में मैंने किसी को रिकमेंड किया है, और उस पर अगर इसका जैसा असर है मैं उस तरीके से आपको बताऊंगी। तो अगर आपको ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।